फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार डीएलएड करने के फायदे क्या क्या है, सरकारी कॉलेज से कितना रुपया लगता है डीएलएड करने पर, प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने पर कितना रुपया लगता है, डीएलएड शिक्षक का पेमेंट कितना होता है, कौन लोग मध्य विद्यालय के टीचर बन सकते हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। चलिए फ्रेंड, एक एक करके हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार से डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा नंबर होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तथा अगर कुछ कम नंबर होता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2 साल का डीएलएड होता है, तथा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डीएलएड में नामांकन लेने के लिए कम से कम आपका 17 साल एज होना चाहिए। उसके बाद एक और बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि डीएलएड में आपका तभी एडमिशन होगा जब आप 10+2 यानी कि 12th किए होंगे 50% मार्क्स से। अगर आप किसी आरक्षण के कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% होना चाहिए, या अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 45% ही होगा तो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक कमेंट आ रहा है कि मेरा 45% है, मैं ईबीसी से हूँ, उसके बाद भी साइबर वाले बोल रहे हैं कि नहीं भरा जाएगा, 50% ही मांग रहा है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तथा बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीएलएड का, वह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही लेता है। उसके बाद में आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनते हैं तो आपको कितना रुपया मिलता है, मध्य विद्यालय का टीचर बनते हैं तो कितना मिलता है, प्राइवेट कॉलेज का फी क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज का फी क्या है। सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना परसेंट रहेगा तो आपका बिहार डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिखा गया है, नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए भर्ती अंकों में 5% की छूट होगी, तथा यहां पर आप सभी देख सकते हैं उच्च विद्यालय प्लस टू अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। तो यहां पर आपको क्लियर किया गया है कि अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं या निःशक्त हैं तो आपको 45% पे ही आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर देंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के वेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। अगर आप भी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन बिहार डीएलएड में हो जाए तो आप सभी इस बुक को जरूर पढ़ें। इसमें आपको 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ 4 सॉल्व पेपर मिलने वाला है जो कि पूर्ण व्याख्या के साथ हैं। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिहार डीएलएड में नामांकन पा सकते हैं। इस बुक को अपने नजदीकी मार्केट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो आपको 1,20,000 के आसपास आपको लगता है करने में बिहार डीएलएड, तथा गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो मात्र आपका 23,000 में कंप्लीट हो जाता है बिहार डीएलएड। यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपको 40,630 रुपया मिनिमम मिलता है, तथा अगर आप लोग मध्य विद्यालय के टीचर बनते हैं तो आपको 45,130 रुपये मिलते हैं। तथा आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि मध्य विद्यालय के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए,
तभी आप मध्य विद्यालय के टीचर बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते हैं। मैं कोशिश किया हूं कि आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए डीएलएड से संबंधित तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।